के तमाम तर दावों के बावजूद एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला न थम सका। आटा, चीनी और सब्जियों के बाद दालें भी आम शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगीं। एशिया जरूरत की जितनी भी चीज़ें हैं, टमाटर है, प्याज है, आलू है, गंडा है, लहसुन अदरक है, चीनी, घी, दालें हैं है? और 400-500 से कम तो कोई सब्जी नहीं बनती है। 400-500 रुपये में एक हांडी तैयार होती है और इतनी बड़ी महंगाई है ये, इसके बारे में जो है ना अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। शहरियों का कहना है कि एशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे से दो वक्त की रोटी भी दोबर हो रही है। आटा भी महंगा बहुत है इतने विक रहा, तो चीनी भी, तो घ्यो भी, तो सब्जियां भी, तो दालां भी, हर चीज़ महंगी हो गई है। आज जी 70-80 रुपये किलो बिकता पे है, टमाटर जड़े 160 रुपये बिकते पहले, लहसुन 300 रुपये बिकता पे है, अदरक 400 रुपये बिकता पे है, आटा जड़ा सरकारी है वो बाजार से नयाब है, मिलता नहीं पाया, जड़ा दूसरा वो 70-75 रुपये किलो हो रहा है। लिहाजा गवर्नमेंट इनकी निगरानी करे कि आवाम को जड़ा सुख का चैन मिले। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कुव्वत खरीद को मुतासर किया है, जबकि बाजारों में प्राइस लिस्ट पर अमल करवाने के लिए इंतजामिया को कोई अहलकार भी मौजूद नहीं।